आपके पास तो धोनी सर का बहुत सारा दोस्त पहले उनके साथ आते होंगे, तो उनमें और धोनी सर में क्या फर्क लगता था आपको? बहुत ही फर्क पड़ता था, उनका बैटिंग बहुत बेहतरीन था, डरते भी थे बच्चे लोग धोनी सर से, कि हाथ में देखो लगेगा चोट लगेगा, तो कुछ हड़क भी जाते थे बच्चे लोग, छोड़ देते थे कैच वगैरह। तो हाँ, अर्चरी मैदान में एक बच्चा आके बोला कि उन्हें आलू खोज रहा और आप उनको चीन नहीं रहे, तो बोल रहा धोनी, तो हमने दो पत्ता संतोष लाल को और धोनी को आलू पहुँचाया, उन्होंने आलू खा के चले गए धोनी सर। उसके बाद आए और गल्ले पर 35,000 रुपया उन्होंने रख दिया। कहाँ पे रख दिए? गल्ले पे जी आगे धोनी सर खुद। आप उनको देखे रखते हुए? बैग में आए रखे और ले लो। तो उसके बाद SP DSP आ गए, भीड़ होने लगा जी, तो उन्होंने बोला कि पैसा रख लो, हमके नहीं सर हमारा बाकी नहीं, हम नहीं रखेंगे जी। कहे तो नहीं नहीं तुम बुढ़वा को उसी के दान महाकल्याण कर रहे हैं जी, ये महान आदमी है जी, है तो भी नहीं रखे। लड़की भी बोली आके हॉकी खेलने वाली कि खुशी के दान महाकल्याण है अंकल, क्यों नहीं रखते जी, आप गरीब आदमी है कहाँ है जी जी, तो हम के अच्छा ठीक है रख ले रहे हैं। महान खिलाड़ी का पहचान दोस्तों ऐसे होता है, पहले आप दुकान नहीं लगाते थे या फिर स्टेडियम के अंदर लगाते? अंदर में लगाते, बाहर नहीं निकलते। जब धोनी चला गया यहाँ से तो कुछ बिक्री नॉर्मल हो गया हमारा, तो हम बाहर निकल गए। अच्छा एक बात ये सुनने में आया था कि जब धोनी सर ये जो मैदान में छक्का मार के बॉल टंकी के ऊपर चढ़ा दिए तभी आप वहीं पे थे, तो ये बात कितना सच है? टंकी के पास थे, वहीं पे थे। आपको लगने का डर नहीं हुआ था? लगता तो था, व्यायाम वाम भी फूट जाता था, पहले लड़का लोग ऐसा मैच खेलता था। धोनी सर भी मार के फोड़े होंगे? अरे अभी मैं उन शख्स के पास बैठा हुआ हूँ जिन्होंने धोनी सर को अपने हाथों से चना खिलाया है। हेलो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ मोहराबादी स्टेडियम, और जाने का कारण यह है कि जब महेंद्र सिंह धोनी सर अपना घरेलू मैच खेलते थे मोहराबादी स्टेडियम में, तभी वहाँ पर एक चना वाला ठेला लगाते थे और वो ठेला अभी भी लगाते हैं। और ऐसा सुनने में आता है कि जो महेंद्र सिंह धोनी सर अभी जो छक्का और चौका मार के मैच को फिनिश करते हैं तो वो चना वाले को उन्हें बहुत बड़ा हाथ है। ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन अभी सबसे खास बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले पेपर में छपा था और एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था कि धोनी सर चना वालों का चना खाकर पैसा नहीं दिया, मतलब उधारी रख दिए। और ऐसा भी सुनने में आया कि धोनी सर चुपके से ठेला में 35,000 रुपया रख दिए थे। कितना सच्चाई है, मतलब ये कहानी क्या है, पूरा वहीं पे सुनेंगे चना वालों के जवाने। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। चलिए चलते हैं चना वालों को। तो दोस्तों ये है वही ठेला जिससे धोनी सर अपना चना खाते थे, देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे मैं भी खाने वाला चना, और ये अंकल जी से सारा कुछ पूछने वाला हूँ। और इनके बगल में जस्ट रांची कॉलेज है। अंकल जी सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए आप। महेंद्र चनावाला। महेंद्र चनावाला, आप कहाँ लगाते हैं चना दुकान? रांची कॉलेज टंकी मैदान में। धोनी सर को तो आप बहुत करीब से जानते होंगे। हम स्कूल लैब से जी, मतलब आप यहाँ कब से लगा रहे चना दुकान? करीब 50 साल हो गया। धोनी सर जब बचपन में आपके पास आते थे चना खाने के लिए, तो उनका व्यवहार कैसा आता था? बहुत बढ़िया, पहले बस में आते थे, स्कूल मैच खेलते थे बच्चे जी, बच्चे खेलते थे साथ में, टीचर आते थे। आपको धोनी सर का प्लेइंग देख के लगता था कि वो आगे सर आगे चल के इतना महान बनेंगे? यहाँ के आपको वो जब मैच खेलने लगे जी, तो हमको कुछ दिन के बाद नजर आया कि धोनी जो है तो जी आगे बढ़ने जाए जी। उनके यहाँ के यहाँ हम गए थे, बगल में बैठे हुए थे जी, उनका बाबू जी 7 बजे रात में ने बुलाया आपको? हाँ बुलाया, आप स्कूल तक जाए जी। हमने बोला नहीं भाई कहाँ बात है, तो नहीं हमारे लड़के कैसे खेलते हैं, हम बोला आपके लड़का बहुत बढ़िया खेलते हैं। उनके पिता पान सिंह धोनी। क्या आप धोनी सर से मिलना चाहेंगे और मिल कर आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? अब उनसे कहाँ बोलेगा, हमारे आगे वो महान बन गए हैं, सब कुछ है हमारे चना से, सब निकल गए हैं लोग जी। आपके इन हाथों को मैं चूमना चाहूंगा कि आप उनको चना खिला के इतना महान बनाए, हम लोगों के बीच झारखंड का रांची का नाम रोशन कर रहे हैं, आज जितने भी रांची के लोग जान रहे हैं धोनी के वजह से ही जान रहे हैं। आपके पास तो धोनी सर का बहुत सारा दोस्त पहले उनके साथ आते होंगे, तो उनमें और धोनी सर में क्या फर्क लगता था आपको? बहुत ही फर्क पड़ता था, मतलब क्या फर्क? उनका बैटिंग बहुत बेहतरीन था, लोग डरते भी थे बच्चे लोग धोनी सर से, कि हाथ में देखो लगेगा चोट लगेगा, तो कुछ हड़क भी जाते थे बच्चे लोग, छोड़ देते थे कैच वगैरह। अब दोस्तों सबसे खास प्रश्न मैं ये अंकल जी से पूछने जा रहा हूँ, जो कि अभी वीडियो में और पेपर में कुछ महीना पहले काफी ज्यादा वायरल हुआ था, वो प्रश्न को चलिए शुरू करते हैं। अंकल जी ऐसा सुनने में आया था कि
धोनी सर आपसे चना खा के आपको पैसा वगैरह नहीं देते, उनका उधार था आपके पास ये नहीं, ऐसा आप बहुत सारा वीडियो और पेपर में भी छपा था। हाँ, पेपर वाले लोग मीडिया लोग छाप देते थे जी, वो आपके कहने से छापते थे या फिर वो लोग ऐसे ही छापते थे? नहीं, अपने छाप देते थे अपने से। हाँ, तो जब वो आए हमारे पास में जी, तो आलू हम उनको छीनने से इनकार जाने लगे अर्चरी मैदान में जी। तो अर्चरी मैदान में एक बच्चा आके बोला कि उन्हें आलू खोज रहा और आप उनको छीन नहीं रहे हैं। हाँ। तो बोल रहा धोनी। हाँ। तो हमने दो पत्ता संतोष लाल को और धोनी को आलू पहुँचाया। हाँ। उन्होंने आलू खा के चले गए धोनी सर। हाँ, चले गए। कब का बात ये? ये हो गया करीब एक साल से ऊपर, उसका बर्थडे हुआ था उसका पहले। हाँ। हाँ। तो चले गए, उसके बाद आए और गल्ले पर 35,000 रुपया उन्होंने रख दिया। कहाँ पे रख दिए? गल्ले पे जी, आगे धोनी सर खुद। हाँ। आप उनको देखे रखते हुए? हाँ, बैग में आए रखे। हाँ। और ले लो। तो हमने दिमाग में अटाया कि मीडिया वाला ने लिख देता था कि बाकी बहुत उधारी चना का गिरा दिया है, हमने लेने से इनकार जाने लगे जी। आप उनको उस टाइम पहचाने थे धोनी है? हाँ, पहचान लिए थे। हाँ, पहचान लिए। आए तो उसके बाद SPDSB आ गए, भीड़ होने लगा जी। तो उन्होंने बोला कि पैसा रख लो। हाँ। हमके नहीं सर, हमारा बाकी नहीं, हम नहीं रखेंगे जी। नहीं नहीं, तुम पुर्दा खो। हाँ। उसी के दान महाकल्याण कर रहे हैं जी, ये महान आदमी है जी। हैं तो भी नहीं रखे जी। तो एक लड़की आई थी जसपुर से मैच खेलने के लिए जी, हॉकी का जी, कि उसी के दान महाकल्याण है अंकल, क्यों नहीं रखते जी, आप गरीब आदमी है वहाँ है जी। हमके अच्छा ठीक है, रख ले रहे हैं। तो गिने पैसा को कितना था? नहीं रहा नहीं, हमको गिनने बोला था SPDSE, क्योंकि हमको गिनने उन्हें नहीं आता, हम पढ़े लिखे नहीं है जी। हाँ, यहीं पे खेलते थे वो मैच, मोराबादी सर्जी मैदान। वो अपना घर से खेलने आते थे यहाँ पे? नहीं, अपने स्कूल, स्कूल से। स्कूल से? कौन सा स्कूल में पढ़ते थे? संप्रांसी। संप्रांसी बगल में ही है, वहीं से खेलने आते थे। तो उनका क्रिकेट मैच के बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छे खेलते थे वो लड़का, खेलते खेलते ए डिवीजन बी डिवीजन में जब पहुंचे जी, तो हमने बोला कि भाई लड़का तो बहुत बढ़िया खेल रहा है। अब भी देखते थे उनका मैच? हाँ, दिन दिन भर रहते थे हम, जब तक मैच चलता था धोनी का, जब तक रहते थे। हाँ। हाँ। मतलब बेचने के लिए आप रहते थे और मैच भी देखते थे? हम मैच भी। पहले आप दुकान नहीं लगाते थे या फिर स्टेडियम के अंदर लगाते? अंदर में। अंदर में लगाते? हाँ, बाहर नहीं निकलते। जब धोनी चला गया यहाँ से तो कुछ बिक्री नॉर्मल हो गया हमारा, तो हम बाहर निकल गए कॉलेज के साथ। हाँ, तो कॉलेज का भी बिक्री होता है और कुछ स्टेडियम का भी बिक्री हो जाता है। हाँ। अच्छा, एक बात ये सुनने में आया था कि जब धोनी सर ये जो मैदान में छक्का मार के बॉल टंकी के ऊपर चढ़ा दिए, तभी आप वहीं पे थे? तो ये बात कितना सच है? टंकी के पास थे, वहीं पे थे। हाँ। आपको लगने का डर नहीं हुआ था? लगता तो था, गोया मुआ भी फूट जाता था पहले, लड़का लोग ऐसा मैच खेलता था। तो धोनी सर भी मार के फोड़े होंगे? हाँ, सब बच्चे लोग जो है इसका बॉल आ जाता था उससे जी, कभी कभी। हाँ। मसाला वसाला का व्यायाम वगैरह फूट जाता है। और धोनी सर का तो बॉल कुछ तेजी से ही आता है, बहुत ही तेजी। अरे बाप रे, सुन सकते गाइस, बच्चे लोग हड़क जाते थे। अभी मैं उन शख्स के पास बैठा हुआ हूँ जिन्होंने धोनी सर को अपने हाथों से चना खिलाए हैं और वो आज इतना महान बन चुके हैं। और अंकल जी अभी यहीं पे चना वगैरह बेच रहे हैं, ये बहुत खुश है अपने कामों से। अच्छा, आपको लगता है कि धोनी सर इतना आगे पहुंच चुके हैं और आप वहीं पे हैं, अब वो कैसा इसे फील होता है? जो जैसा किया वैसा आगे बढ़ा जी। मतलब तो पर भी आप खुश हैं कि आप धोनी को चना खिला? बहुत खुश हैं, इसलिए कि हमारा चना से आगे बढ़ गया धोनी, आपका चना से आगे बढ़ गया। अच्छा, धोनी सर कितना बार मिले? 3 बार तो हो गया। कब कब मिले? 3 बार। एक मरते संतोष लाल के साथ में जी, एक मरते हॉकी मैदान के पास में जो पैसा दिए थे जी, और तीसरा में ही बर्थडे उनका था यहाँ पे कॉल के पास। यहाँ पे? हाँ। यहाँ पे वो आए थे? हाँ। गाड़ी से आए थे? हाँ, बाइक से। बाइक से? हाँ, उनका दोस्त लोग को भी चिन्हते थे। हाँ। तो सरदार जी थे, नाम उनका भूल रहे हैं, पंजाबी ढाबा। हाँ हाँ, वो फिल्म था उनमें दिखाया वो सरदार जी को। हाँ हाँ हाँ, सरदार जी भी थे दोस्त थे सब। हाँ, वो लोग आए थे। के को बाइक था लोग? वो एक अपने घूमने आए, जब धोनी का सुने ने कि इनके पास आए हैं पेपर वगैरह में होने लगा, तो वो आके भेंट किए टंकी मैदान में आके आपसे। हाँ, तो उनको वो भी बोल रहे हैं कि हमको आप चीने। हाँ। आपकी बिल्कुल चीने, आपको फलना नाम है। एक साल पहले की बात है ये हो गया करीब 1.5 साल के लगभग। हाँ, 1.5 साल का। हाँ। तो आके भेंट हुए हम कि नहीं नहीं आपका नाम है ही है, आप पंजाबी ढाबा है। और एक रोज घर से भी निकल के वो चले गए थे आपसे मिलने के लिए, जो कि उनका गार्ड लोग पसीने पसीने हो गए थे जी। फिर आपका बैग बाहर देखा तो उन्होंने शांति हो गया। और
कैसा लगता था आपको धोनी सर का व्यवहार? हमको देख के व्यवहार अच्छा लगा, आगे बढ़ा, दौड़ के हमने आलू पहुंचाया दो दुना कि चलो भाई भेंट तो किया चना वाला के बचाया। महान खिलाड़ी का पहचान दोस्तों यही से होता है, इतना छोटा जो स्टॉल लगाते हैं अंकल जी का स्टॉल आप देख सकते हैं, और ये चना वाले को फिर भी आए धोनी सर और इनको जो मतलब आलू आलू उनसे मांगे, और इनका जो मतलब पेपर में जो वायरल हुआ था कि धोनी सर चना खा के पैसा नहीं दिए, वो पैसा को दिए, 35,000 रुपया इनके स्टॉल में रख दिए थे। अच्छा जब रख रहे थे तभी आपको कैसा लग रहा था? रखे तो हमको ख्याल पड़ा ना कि इन्होंने वो गिन के पैसा रखे या फिर अपने पर्स से ही निकाल पर्स निकाल के रख दिए चुपचाप रख दी। हाँ तो हमने बोला कि भाई हमारा बाकी रुपया नहीं है जी, हम पैसा नहीं ले। अब धोनी सर को बोले वो बोले लो लो कितना ना हम तो ले ही नहीं। तब उधर से SBDSB आ गया तो उन लोग उसका पीछा भी किया बिरसा स्टेडियम तक तो ना आप पैसा आना है जी SBDSB। फिर हम जो है सो पैसा रख लिए, बोला रख लो। फिर एक लड़की भी बोली हॉकी खेलने आई थी, भी बोला रख लीजिए अंकल तो क्या कमी है उसी से दे रहे तो हाँ क्यों नहीं, हम भी सपोर्ट कर रहे, रखना चाहिए था। सबसे अच्छा बात हमको ये लगा कि विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लेयर पूरा विश्व का वो फिर भी आपके पास आए, इतना छोटा जो चना दुकान आपको भूले नहीं और जो वायरल हुआ था उसके आप पैसा दिए आप, और फिर अभी कभी कभी आते तो आलू वगैरह खाते आपके पास, देखिए आपका चना का कितना दम है, तो उनके बाजुओं में इतना शक्ति लगा दिया कि वो आज इतना महान प्लेयर बन गए, और जो इतना लंबा लंबा छक्का छक्का मार के मैच को फिनिश करते। अभी आप मैच देखते हैं उनका? उनका मैच देखते हैं तो बीच में कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा था लेकिन अभी तो ठीक खेल रहे हैं। हाँ अभी कल परसों तो ठीक ही खेला, अच्छा चौका मार के जिता दिया था। मतलब जब धोनी मारता तभी आपको अंदर से कैसा लगता? हम लोग को तो बहुत खुशी होता है, उसके पहले दो चार दो तीन मैच जब गड़बड़ा गए तो हमको भी दुख बहुत लगा। जब अगर मार रहे हैं तो हमको एकदम अंदर से कुछ लगा, अंदर से बहुत खुश अब आगे हमारा चना का नाम चलेगा। हम लोग को भी ऐसे ही लगता है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपके पास अभी बैठा हूँ, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा अंकल जी आप एक बार हमको चना खिला दीजिए। तो दोस्तों अभी अंकल जी चना बनाएंगे और मैं अभी खाने वाला हूँ, देखते हैं धोनी सर जो चना खाते थे वही चना मैं खाने वाला हूँ। अच्छा ये जो ये है आपका ठेला है ये तभी यही वाला ठेला था? ठेला चेंज किया नहीं, लाल ठेला था यही, यही वाला ठेला था, चक्का वगैरह वही था। अरे बाप रे क्या बात है दोस्तों, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि अभी जिस ठेले के पास धोनी सर इतना महान प्लेयर आके चना खाते तो उसमें मैं अभी चना वगैरह खाने वाला हूँ अंकल जी का। मैं आपको दिखाता हूँ अंकल जी किस तरह चना बना रहे हैं। मसाला सब उसमें क्या क्या दिए? उसमें इसमें अभी कुछ नहीं दिए, प्याज है, आलू है जी, टमाटर है जी, यही दिया हुआ है, खीरा है जी, ये क्या है नमक, नमक ये जीरा उरा काला नमक जी, जीरा है जी, लाल मिर्च है जी, इसमें काला नमक है, जीरा है, जवाइन है जी, इस पे नमक में। और ये क्या चीज है? ये खट्टा है, खट्टा इमली का। और उनकी वाइफ से मिले आप अंकल जी? उनकी वाइफ से नहीं मिले लेकिन मीडिया थी, मीडिया में हमको दिखा है जी, जो लोग जैसा बता रहा था वैसा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया थे, दुबली पतली थे, और यहीं पर सब उनका देखा है। तो हम यहाँ मीडिया वाला फिर यहाँ से खींचते खींचते आगे बढ़ गए। पहले तो यहाँ नहीं लगाते थे दुकान, वहाँ पे लगाते होंगे ताकि हम वहीं पे बैकग्राउंड देखे। अभी नगर निगम वाले लोग तंग करते हैं ना, इसलिए यूनिवर्सिटी के मास्टर लोग जो है सो हमारे चना से कोई डायरेक्टर हो गए हैं, कोई DCBC में है, नाम गलत सलत होते हुआ है, इधर तो हाँसते हुए पार उर होते हैं ना, इन्होंने नगर निगम वाले को बोले कि इन्होंने बहुत पुराने हैं और ये जगह से घर रखा हुआ है इसको हटा दिया जाए, हटाने के बाद इनको जगह ही वाला। कितना लेते हैं? 10 रुपये पहले तो एक आना लेते थे। एक आना? अच्छा धोनी से जब खाते थे तभी एक आना? एक आना। 3 घंटा का मैच होता था तो लड़के लोग 8 दुना 10 दुना खा जाते थे। 10 आना मतलब 1 रुपया भी तभी नहीं होता था? तो एक ही आना ना हुआ, 8 आना 10 आना। आप लेकिन बहुत महान है, ये सब सब अच्छा सर्विस गया। दोस्तों मैंने चना खा लिया हूँ और काफी अच्छा लगा, मैं रियली बोल रहा हूँ इस तरह का अमेजिंग चना मैंने आज तक नहीं खाया था, बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी आप क्या कह रहे थे? अभी उनका हीरो जो फिल्म बनाया था जो डेट कर गए जी, वो आए बच्चा से भेजे रुपया 100 रुपया और बोले जाओ चना लिया जी,
वो बच्चे ने थोड़ा देरी खड़े रह गए कहीं कि पैसा आपस नहीं किया है, तो कहीं हम फिर मैदान में आऊँगा, रुपया छोड़ दो उसके पास, एक दो चला ले कर चले गए। और खुशी से क्या उसका तो बेचारे डेटे कर गए, उसका फिर दोबारा भेट नहीं। अच्छा फिल्म में आपको मतलब जब फिल्म वो बन रहा था तो आपसे कुछ पूछा गया था क्या? हमसे तो पूछा नहीं गया था, लेकिन डीएवी बीसफ का मास्टर लोग जी हैं जी, और सब के ही साथ में एक फोटो खिंचाया आप इधर। हाँ सब बोला कि इधर आओ, तो फोटो खिंचाया। फिर हमको गेट में अंदर जाने का एंट्री नहीं हो रहा था, रोक रहा था लोग, तो प्रेस रिपोर्टर थे और स्कूल का मास्टर लोग थे, कहीं कोई नहीं उनको खाली आने दीजिए जी, तो हम गए अंदर बेच रहे चना। अरे वाह क्या बात है। अच्छा दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके कि इन्होंने धोनी सर को चना खिलाएं और इतना महान बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, अगर आप मतलब धोनी सर को कुछ दुआ देना चाहेंगे किस तरह का दुआ देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया दुआ देंगे कि वो और आगे बढ़े और बढ़िया खुशी से आगे बढ़ के कुछ दिखाएं जी आपको। वो तो बहुत कुछ किया अपने लाइफ में, खुश लगे जी। वो तो ऐसे ही बहुत कुछ कर दिए, बहुत कुछ कर दिए उस तरह का, वो जितना किए आज तक नहीं लगता मेरे को और कोई खिलाड़ी कर पाएंगे। नहीं नहीं और कोई नहीं कर पाएंगे जी, धोनी कैसे कर। उनका बाबूजी उनका जैसा स्वभाव था उस हिसाब से बच्चा बहुत बढ़िया आगे निकल गया जी। अच्छा ठीक है अंकल जी, फिर मिलेंगे आपसे। तो दोस्तों ये था धोनी सर को जिन्होंने चना खिलाया था, जैसे कि आपको मैं सारा कुछ दिखाया हूँ। तो होप यू कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया नहीं आया लेकिन ये शख्स को आपको जरूर पसंद आया होगा जिन्होंने चना खिला के धोनी सर को इतना महान बनाया। मेरे पीछे तरफ है ये मोरहाबादी स्टेडियम, यहीं पे धोनी सर खेलते थे और यहाँ पे आके चना वगैरह खाते थे। इनके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग इस तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हो धोनी सर से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और इसके बाद मैं धोनी सर का जो घर है उनका वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, तो वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को देखने मिल जाए। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टिल देन बाय बाय।